हेलो फ्रेंड्स, लर्न विथ वैभव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है योगेंद्र और आप सीख रहे हैं मैप्स विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले देखते हैं जो मैप है वो कहाँ से डिराइव हुआ है। मैप जो कि मापा, जो कि एक लैटिन वर्ड है, उससे डिराइव हुआ है और मापा का मतलब होता है नैपकिन या कवर क्लॉथ। अब हम बात करते हैं कि एटलस क्या होता है। एटलस द कलेक्शन ऑफ मैप्स इन अ बुक। जब किसी हम मतलब मैप्स का जो कलेक्शन है एज अ बुक कर दिया जाए उसे हम एटलस कहते हैं। एंड फर्स्ट एटलस वॉज पब्लिश्ड इन 1570 AD। आइए अब देखते हैं कि कार्टोग्राफी किसे कहते हैं। कार्टोग्राफी आर्ट ऑफ मेकिंग मैप, मतलब मेकिंग मैप के आर्ट को कार्टोग्राफी कहते हैं, या फिर प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैप, मेकिंग मैप के प्रोसेस को कार्टोग्राफी कहते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि कार्टोग्राफर किसे कहते हैं। कार्टोग्राफर अ पर्सन हु मेक्स द मैप, वह आदमी जो मैप को बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं। और जो मैप मेकिंग प्रोसेस होता है या जो मैप मेकिंग आर्ट होता है उसे कार्टोग्राफी कहते हैं। अब इम्पॉर्टेंट है कि हु वॉज टॉलमी। टॉलमी वॉज एन इजिप्टियन हु शोड द टॉप ऑफ द मैप विथ अ नॉर्थ लाइन। आइए अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैप्स के बारे में। मैप्स तीन तरह के होते हैं, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिक मैप। आइए देखते हैं फिजिकल मैप किसे कहते हैं। फिजिकल मैप को रिलीफ मैप कहते हैं। एंड दैट शोज नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ, यह अर्थ के नेचुरल रिसोर्सेज को सेव शो करता है, दिखाता है, जैसे कि माउंटेन को, प्लेट्यूज को, प्लेन्स को, ओशंस को और रिवर्स को। जो मैप माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ओशंस एंड रिवर्स को शो करता है उसे हम फिजिकल मैप कहते हैं। पॉलिटिकल मैप जितने मैन मेड फीचर्स हैं, दैट शोज द मैन मेड फीचर्स, लाइक शोज डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स विद देयर बाउंड्रीज। Also shows cities, towns and villages. जो मैप different countries, states के boundary को show करता है, cities, town और villages को show करता है उसे हम political map कहते हैं। और ये boundary man-made होती है। At last आता है thematic map. It shows specific features. या कुछ certain features को show करता है, जैसे कि रोड्स को, बिल्डिंग्स को, रेलवेज को, रेनफॉल को, फॉरेस्ट को, क्रॉप्स को, इंडस्ट्रीज, पॉपुलेशन डेंसिटी को, लिटरेसी रेट को इत्यादि, उसे हम थीमेटिक मैप कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स के बारे में। कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स, मैप के तीन कंपोनेंट होते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिम्बल्स। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस पर बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि मैप रिड्यूस द वर्ल्ड on a sheet of paper, so this reduction should be precise, so we use scale. There are small scale map and large scale map. Now about the direction. Direction के लिए four cardinal points होते हैं, north, south, east and west. साथ ही साथ four intermediate directions होती हैं, north east, south west एंड नॉर्थ वेस्ट। नाउ टॉक अबाउट द सिम्बल्स। द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स आर नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप, सो वी यूज सिम्बल्स, लाइक ब्लू कलर से हम वाटर को दिखाते हैं, ब्राउन कलर में माउंटेन्स को दिखाते हैं, येलो कलर में प्लेट्यूज को दिखाते हैं और ग्रीन कलर में प्लेन्स को दिखाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि वॉट इज द डिफिनीशन ऑफ द मैप। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट सरफेस। मैप में क्या होता है, अर्थ के सरफेस को हम एक फ्लैट सरफेस पे रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू स्केल। ये बात याद रखनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू स्केल। यह 2D ड्राइंग ऑफ अर्थ है, इसे हम 2D ड्राइंग ऑफ अर्थ भी कहते हैं। एंड मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। जब बात आएगी कि हु इज बेटर, मैप इज बेटर और ग्लोब इज बेटर, तो मैप इज बेटर बिकॉज इट प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन अ ग्लोब। अब बात करते हैं प्लान क्या होता है। एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। एक्यूरेट ड्राइंग प्लान क्या है, एक्यूरेट ड्राइंग है स्मॉल एरिया का लार्ज स्केल पे। एंड स्केच क्या है,
व्हाट इज स्केच? तो स्केच इज द रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया विदाउट स्केल. सो यहाँ पे हम तीन चीज़ें देख रहे हैं कि मैप क्या है. इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ सरफेस ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल. एंड प्लान क्या है? तो एक्यूरेट ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल. एंड स्केच क्या है? तो रफ ड्राइंग ऑफ एन एरिया विदाउट स्केल. तो फ्रेंड्स, यह एक जनरल डिटेल थी अबाउट मैप. थैंक यू सो मच.